फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न फाइल करना। सेम इसी प्रोसेस से आप टीसी रिटर्न फाइल कर सकते हैं खुद से। इसमें आपको किसी भी टाइप से कहीं पर भी किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, कोई भी हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बस आपके पास जो है कुछ बेसिक डिटेल्स होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है या तो आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन हो या फिर डीएससी से। कोई जरूरी नहीं है डिजिटल सिग्नेचर ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आधार से वेरीफाई होना जरूरी है। उसके अलावा ईबीसी या फिर कई सारे मोड से आप उसको फाइल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पर आपको लेकर चलूंगा। सबसे पहले यूटिलिटी, फ्री यूटिलिटी है आरपीयू डाउनलोड, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। गूगल पर इस टाइप से आपको लिखना है आरपीयू फाइल डाउनलोड, ये आपके सामने आरपीयू यूटिलिटी आ जाएगी। लेटेस्ट अवेलेबल है ये, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4.6 आ रही है। जब आप डाउनलोड कर रहे हैं हो सकता है कोई लेटेस्ट वर्जन भी आ रहा हो। इसको आपको एक बार सेव कर लेना है और हर टाइप की रिटर्न आप इससे फाइल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आपके सिस्टम में अगर जिस फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं है तो आप उसको पहले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फाइल डाउनलोड होगी इसी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसी के थ्रू हम फ्री रिटर्न फाइल करेंगे। ये हमने फोल्डर में यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये फोल्डर आ गया। अब इसमें सारी फाइलें में से हमें किसी काम की फाइल नहीं है, बस एक मेन फाइल होगी जिसमें टीडीएस आरपीयू और यहाँ पर वर्जन लिखा हुआ होगा। ठीक है, अभी ये जो इसके साथ डेट मॉडिफाई की लास्ट कब अपडेट हुई है तो ये 11 मई को अपडेट हुई थी 3 बजे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। ये मेरी फ्री यूटिलिटी है। इस फ्री यूटिलिटी में मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, बस 3 पेज की डिटेल होगी। पहले में क्या आएगा देखिए, यहाँ पर जो है पहले मैं फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसी टाइप के अलग अलग फॉर्म्स है, सबका अपना अपना यूज है। इनके सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, 24Q सैलरी का है, 26Q अदर सेंस सैलरी का है। फिर उसके अलावा जो है जो 195 सेक्शन में फॉरनर के लिए टीडी डिडक्ट होता है वो भी इसमें ही है, टीसीएस की रिटर्न भी इसी में ही है। सभी इसी यूटिलिटी के थ्रू हम यहाँ पर फाइल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर फॉर्म 26Q ले लिया है। इसी यूटिलिटी के थ्रू आप फ्री में रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं जो ओरिजिनल रिटर्न है, फिर बाद में उसका रिविजन या फिर उसको करेक्शन बोला जाता है यहाँ पर, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू क्लिक टू कंटिन्यू करूंगा, मेरे सामने यूटिलिटी आ जाएगी। पहले मुझे यहाँ से फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम यहाँ पर लेटेस्ट 22-23 के लिए Q4 की बात करेंगे, किसी की लास्ट डेट आने वाली है तो जल्दी जल्दी इस रिटर्न को फाइल कर लीजिएगा। कोई पेनल्टी आपको ना देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 200 रुपए पर डे की पेनल्टी चलती है, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की उसकी अलग से पेनल्टी होती है। अभी बेसिक पेज वाला डिटेल है, जैसे कि टैन नंबर लिखना है, पैन नंबर लिखना है, उसके अलावा जो है आपका टाइप क्या है, मतलब आप हैं डिडक्टर जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब आपके पास दो चीजें और आना जरूरी है, इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स है कि पहले तो फर्म की डिटेल आ गई, फर्म कोई भी किसी भी टाइप का नेचर हो सकता है। दूसरा, फिर वो ऑथराइज पर्सन जिसके डिजिटल सिग्नेचर या जिसके आधार ओटीपी से रिटर्न अपलोड होगी, बस ये दो मेन डिटेल्स है, वो डिटेल्स भरनी है यहाँ पर, जैसे नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में। क्या इससे पहले आपने कोई रिटर्न फाइल की है तो आपको यहाँ पर यस और नो करना है। अगर यस करेंगे, ये एड्रेस चेंज का दोनों में ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस चेंज का ऑप्शन है पहले फर्म के लिए फिर उस पर्सन के लिए। फिर यहाँ पर आएगा कि आपने इससे पहले जो रिटर्न है 26Q के दर्जन सैलरी वाली फाइल की है, यस और नो। तो इसके बेस पर आपको यहाँ पर रिसीट नंबर लिखना है लास्ट रिटर्न का। यस करेंगे लिखना जरूरी है, अदरवाइज अगर नो कर देंगे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं आएगी, वो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। बाकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। मैं लास्ट पर लेकर चलता हूँ, इस डिटेल्स को मैं फिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद चालान डिटेल्स और फिर डिडक्टिव डिटेल, डिडक्टिव मतलब जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, बस उन दोनों की डिटेल्स और एंटर करनी होती है। यूटिलिटी मैंने ओपन करी हुई है, मैं आपको एक फाइल बता देता हूँ आपको दोनों फाइलें कैसे तैयार करनी है। तो आपको इस तरह से एक फाइल तैयार कर लेनी है जिसमें कि डिडक्टिव डिटेल्स, डेट, पर्टिकुलर्स मतलब नेम क्या है, पैन नंबर क्या है, किस सेक्शन में टीडीएस कटा हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टीडीएस की वैल्यू क्या है, कोई इंटरेस्ट अगर एलोकेशन करना है तो वो, और उसके अलावा जो है कंपनी डिडक्टिव या नॉन कंपनी डिडक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 1 और 2 आपको खुद से सेलेक्ट करना होता है। तो बस ये बेसिक सी डिटेल्स है। इसके अलावा जो है चालान की डिटेल्स होती है, चालान की डिटेल्स में क्या है, डेट, चालान नंबर, बीएसआर कोड, टीडीएस के अमाउंट, उस पर कितना इंटरेस्ट है, कोई अदर अमाउंट है, तो बस ये डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। एक्सेल में डायरेक्ट हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूटिलिटी पे चलते हैं। बेसिक डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पर चालान ऐड करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द क्वार्टर में जितने भी आपके चालान है वो सारे आपको ऐड करने होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर 3 चालान ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये एग्ज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि हर महीने का 1 चालान है। तो बेसिकली यहाँ पर टीडीएस के अमाउंट आ गई, ये सरचार्ज, एजुकेशन चार्ज या कुछ नहीं लिखना, इंटरेस्ट आ गई, कोई फीस या पेनल्टी अलग से है तो वो, अगर आपने चालान में जमा किया है तो।
फिर उसके बाद आता है बीएसआर कोड, वो यहाँ पर एंटर करना है, डेट जिस दिन वो अपना चालान डिपॉजिट किया है, चालान का नंबर, फिर उसके बाद जो है मोड ऑफ डिपॉजिट, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी एक चीज का ध्यान रखना है, इस चालान में से कितना एलोकेशन आपको इस रिटर्न में करना है वो आपको मैनुअली यहाँ पर लिखना होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे बाद में आपकी डिमांड आ सकती है। माइनर ऐड में कौन सा ऐड में है, तो 200 में चालान जमा करना होता है, 400 में तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए जमा होता है, 200 में ही आप चालान जमा करें और यहाँ पर 200 ही सिलेक्ट करें। तो ये तो बेसिक सी डिटेल्स हो गई। अब पर्टिकुलरली किसी भी एक रो के अगेंस्ट में कितने परसेंट का आपने टीडीएस डिपॉजिट कराया, सपोज कीजिए आपने एक सिंगल चालान जमा कराया, उसमें 4 लोगों का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम डायरेक्टरी की डिटेल ऐड करेंगे। डायरेक्टरी डिटेल्स में ऐड करने में यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे इंसर्ट रो पर क्लिक करना है, तो मेरे से यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा कि पहली चालान के अगेंस्ट में कितने डिडक्टीज हैं आपके, मतलब कितने लोगों आपने टीडीएस काटा है। मैं यहाँ पर 3 एज्यूम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, ऐसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अभी ये मेरे पास डिटेल्स आ गई, तो जो डिडक्टी की डिटेल्स है, जैसे मैंने बताया पहले सेक्शन, यहाँ से हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो है कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट के बस केवल 3 यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप हल्का सा कर्सर मूव करेंगे तो पूरी डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं लिखना है, पैन नंबर लिखना है, नेम ऑफ डिडक्टी, डेट कि किस दिन पेमेंट हुई है, क्रेडिट हुआ है, उसके बाद अमाउंट कितना यानी कि टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसके बाद टीडीएस कितना आया है, ये तो सरचार्ज से तो 0 रहेगा इस केस में। फिर आएगा टोटल टैक्स डिपोजिट, तो ध्यान रखिएगा टीडीएस के अमाउंट में और टोटल टैक्स में डिफरेंस ना हो वरना फिर डिमांड आ जाएगी। डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ क्रेडिट अलग अलग हो सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो है अगर लो डिडक्शन का सर्टिफिकेट है वो डिटेल्स अलग से आपको एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये 102 खुद से आ जाता है जैसे आप पैन नंबर एंटर करते हैं, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद रेट, किस रेट से आप जो है यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट किया है, 1%, 2%, 10%, बाकी आगे की डिटेल्स का आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक फाइल की हुई डिटेल्स पूरी कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में यहाँ पर आसानी रहे। तो यहाँ पर इस तरह से तो आपको चालान एंटर करना है। देखिए पूरे मैं आपको यहाँ पर एक रिटर्न जो कि अभी हम फाइल करने वाले हैं उसकी डिटेल्स दिखा रहा हूँ। इस तरह से तो चालान एंटर करने हैं, फिर आते हैं डायरेक्टरी डिटेल्स। इस टाइप से आपको डायरेक्टरी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है इस टाइप से, ठीक है। जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो मैंने सारी हाइड करी हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह से रखनी है डेट वाली, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें एक फाइल चाहिए होगी सीएसआई फाइल। वो कहां से मिलेगी, वो एक प्रोसेस है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकम टैक्स में लॉगिन करूंगा। ध्यान रखें कि इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in, उसी से ही ये रिटर्न जो है फाइल होगी। अब आपको किसी भी तरह से कोई मैनुअल इंटरवेंशन या कहीं बाहर जाकर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो दूसरे वाली साइट हुआ करती थी वो भी अब बंद कर दी गई प्रोटीन के नाम से, उसको एनएचडीएल वाली साइट पर सब डाटा डाटा के यहीं पर ला दिया गया। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा, लॉगिन किस से करना है, टैन नंबर से। और ध्यान रखिएगा अगर टैन आपका रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर का एक आसान सा प्रोसेस है। उसके लिए मैंने अभी यहाँ पर 4 मिनट की एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, आप सर्च करेंगे शिव निजा के नाम से चैनल मिलेगा। पूरा टैन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, टैन नंबर लेने से लेकर रजिस्ट्रेशन करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, सब कुछ यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है। ये लेटेस्ट वीडियो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, लेटेस्ट चेंज के साथ ये वीडियो आपको मिल रही है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेकंड प्रोसेस में। पहले प्रोसेस में हमने डाटा तैयार किया, सेकंड में अब हम ये जो इनकम टैक्स की साइट है हम सीएसआई फाइल डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है अलग अलग ऑप्शंस में, ई फाइल में, ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट हिस्ट्री मिलेगी, उसके बराबर में ही चालान स्टेटस इंक्वायरी में सीएसआई फाइल डाउनलोड करने का डायरेक्ट ऑप्शन आ गया है। तो अब आप यहाँ पर जो पहले दिक्कत आ रही थी कि मल्टीपल फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो आप कोई भी रेंज देकर फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि मुझे इस क्वार्टर के लिए चाहिए जनवरी से लेकर, और मैं करंट डेट की भी कर सकता हूँ। बेटे मैंने चालान जो है अप्रैल तक फाइल कर दिया था, तो मैं ये जो है चालान की सीएसआई फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर अगर हो सकता है कि मेरी कुछ चालान की फाइल प्रीवियस वाली हो और कुछ नई वाली हो, या मुझे कोई ऐसा चालान है जो कि मैंने यूटिलाइज ना किया प्रीवियस रिटर्न में वो यूज करना है, तो उसके लिए पहले आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको ऑनलाइन चालान ऐड करना पड़ेगा वो वाला करेक्शन के थ्रू। उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अब हमारी सीएसआई फाइल डाउनलोड हो गई, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न में जाकर इसको अपलोड कर, हमने जो है सीएसआई फाइल डाउनलोड कर ली। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर जो है एफव्यू फाइल जनरेट करेंगे। एफव्यू फाइल जो है जिस फोल्डर में अपलोड होगी, मैंने यहाँ पर ई फाइल में क्लिक किया है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके थ्रू हम ये रिटर्न फाइल करेंगे, और इसमें क्या है कि बस एक सिंगल सी फाइल अपलोड होगी, पूरा फोल्डर अपलोड नहीं करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ईयर सेलेक्ट करना है, तो मैं लेटेस्ट ईयर जो मेरा 22-23 वाला जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से स्मेंट ईयर लिखा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद क्वार्टर फोर,
रेगुलर रिटर्न, और बस यहाँ पर अब मुझे एफयू फाइल अटैच करनी है, वो भी जिप फाइल। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट उस यूटिलिटी पे जो हमारी यूटिलिटी थी, ये क्रिएट फाइल पर मैंने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैंने ब्राउज कर लिया, ब्राउज क्या कर लिया, जहां पर मेरी वो CSI फाइल रखी हुई है वो मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। देन उसके बाद एक फोल्डर देना है कि उसमें मेरी सारा डाटा सेव होकर आ जाए, ठीक है। तो मैं जहां पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहीं से मैं ले लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्राउज करना है आपको, एक फोल्डर की लोकेशन देनी है जहां पर आप ये सारी फाइलें सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको फोल्डर बनाकर सेव कर लेता हूं। फिर इसके बाद वैलिडेट फाइल पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी, मैसेज आएगा सक्सेसफुल का। अगर एरर आ रही है तो उस एरर के लिए आपको ओपन करनी है फाइलें। फाइलें कौन सी ओपन करनी है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जो है एक फोल्डर अपना आप से ओपन हो जाएगा, फोल्डर ओपन हो गया है, इसमें ये फाइल्स यहाँ पर आएगी। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट वाली एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, कोई ऐसी वार्निंग तो नहीं आ रही। कभी कभी चालान अपडेट नहीं होता है उसकी वजह से आ जाती है। अब जैसे एक चालान है तो उसका BSR कोड मैच नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी एरर फाइल ना हो। अगर एरर फाइल आपने देख ली जेन्युइन है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये हमारी फाइल जनरेट होकर आ गई है और इसी फोल्डर के अंदर में मेरी FU फाइल है। ये फाइल मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, तो मैं इस फाइल को यहाँ पर जिप फाइल बना लूंगा, कंप्रेस जिप फोल्डर, ये फोल्डर मेरा यहाँ पर अपलोड होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको अपलोड कर लेता हूँ। चलते हैं अपनी उसी वाली एक्टिविटी में। तो मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर ली। इस टाइप से जिप फाइल्डर यहाँ पर आपको फाइल आएगी। FU का वर्जन है 8.1 लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा सारी। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएंगे कि मैं किसके थ्रू यहाँ पर वेरीफाई करना चाहता हूँ। आधार, OTP, DSC, बैंक के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू। मैं यहाँ पर अभी आधार OTP से वेरीफाई करूंगा। OTP वेरीफाई करने के बाद मेरे पास एक एक्नोलिजमेंट आ जाएगी, वो एक्नोलिजमेंट मुझे रख लेनी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट में उसका जो RRR नंबर है, एक्नोलिजमेंट रिसीट नंबर है, वो मुझे चाहिए होगा। तो ये सारे पूरा प्रोसेस की डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी है। साथ के साथ ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने उसको OTP से वेरीफाई कर दिया है। फिर उसके बाद ई फाइल के अंडर में व्यू फाइल फॉर्म सर आपको क्लिक करना है। 22 के लिए जो रिटर्न अभी अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये रही आपकी रिटर्न, ठीक है। 20 मई को हमने फाइल किया है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का। तुरंत एंड टू एंड एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये RRR नंबर करके ये रिसीट है ये आपको सेव कर लेनी है उसी फोल्डर में। तो एक फोल्डर बनाना है जिसमें आपकी सारी फाइलें रखी हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग फाइलें आपने रख दी हो, नेक्स्ट में आपके यूज होगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स, GST के सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो